बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 पावर 3x प्लस 2 पावर x इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पावर 3x को इस तरह देख सकते हैं ना कि 2 पावर x होल पावर 3 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, लेट ले लेंगे किसको, 2 पावर x को y के बराबर ले लेंगे, 2 पावर x को y के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ 2 पावर x की जगह y लिख देंगे, यहाँ भी 2 पावर x की जगह y लिख देंगे, इज इक्वल टू 10। इसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस 10 है, ये इनको इस साइड पर लाएंगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा। तो यह हमारे पास आ जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस वाई नहीं है, इनको सेपरेट करेंगे तो इनको इस तरह लिख देंगे, माइनस पावर वाई प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस 4y प्लस 5y, इनसे y आता है तो इनको इस तरह लिख देंगे, इनसे वैसे भी y आता है। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों से y कॉमन ले लेंगे, यह हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 4 और इनसे प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस 2। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 4 नहीं है, इनको इस तरह लिख सकते हैं ना कि 2 पावर 2 लिख देंगे, इनसे वैसे भी 4 आता है, 2 पावर 2 इसके बराबर होता है 4 के। इसके बाद क्या करेंगे, हमें एक फार्मूले का पता है कि इसके एक फार्मूला आता है इनसे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ए प्लस बी माइनस बी। तो इनको भी इस फार्मूले के मुताबिक खोलेंगे तो यह हमारे पास क्या जाएगा, वाई प्लस 2 वाई माइनस 2। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 2y को काम ले लेंगे सबसे, माइनस 2y को काम ले लेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा वाई ब्रैकेट में वाई प्लस 2, यह हमारे पास आ जाएगा प्लस 5। इसके बाद क्या करेंगे, वाई को मल्टीप्लाई करेंगे वाई प्लस 2 के साथ, यह हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 5। तो यह हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरा आ गया y स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, माइनस 2 को इस साइड पर लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद y की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पावर x को, क्योंकि हमने 2 पावर x को y की जगह लिया था तो यहाँ 2 पावर x को लिख देंगे, इधर देखिए तो
तो यहाँ वाई की जगह टू पावर एक्स लिख देंगे, पावर टू के ऊपर पावर वन लिख देंगे, वो वैसे भी टू के बराबर होता है। इसके बाद इन दोनों का बेस सेम है तो इनके पावर को कंपेयर करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वन के बराबर आ जाएगा। अब दूसरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ये रियल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इनका जो आंसर है वो निगेटिव आ रहा है। किस तरह, इधर देख देख इसको, हमारे पास फार्मूला क्या है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वेयर किसके बराबर है, वो टू के, तो यहाँ टू स्क्वेयर लिख देंगे, माइनस फोर ए की जगह क्या पुट करेंगे, वन, और सी की जगह फाइव को। टू स्क्वेयर किसके बराबर है, फोर के, इनसे क्या आता है, माइनस ट्वेंटी, फोर से माइनस ट्वेंटी माइनस करो तो माइनस सिक्सटीन आता है। इसलिए ये रियल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इसका आंसर निगेटिव आ रहा है। एक्स इज इक्वल टू वन तो ये रियल सॉल्यूशन है। अब इसको चेक करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वन ये करेक्ट है या रॉन्ग, तो इस वीडियो को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स की जगह यहाँ क्या पुट करेंगे, वन को, टू पावर थ्री एक्स, तो एक्स की जगह वन यहाँ पुट करेंगे, प्लस टू पावर एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ भी वन पुट करेंगे, इज इक्वल टू टेन, इनसे क्या आता है, टू पावर थ्री, इनसे क्या आता है, टू, और यहाँ टेन, टू पावर थ्री किसके बराबर है, वो एट के, तो यहाँ एट लिख देंगे, प्लस टू इज इक्वल टू टेन, एट प्लस टू टेन इज इक्वल टू टेन। एक्स की जो वैल्यू है वन वो करेक्ट है, इसको हमने चेक कर दिया।